जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। क्यों भाई, कोई रूठा है? नहीं मानता। किसी से बेहद मोहब्बत है पर उसको नहीं पता चलता। कोई कुछ भी बोलता है दिल दुखता है। क्या किसी की नाराज़गी से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? तो चल आज आपका नहीं उनका इलाज करते हैं। आज आपके रिश्तों से इस कड़वाहट को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो जिसमें प्रेम हो, जिसके अंदर एक दूसरे से आत्मा का कनेक्शन हो। यहाँ ब्लड रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम मंगल को एक्टिव ही नहीं करेंगे। आज हम केवल और केवल बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की, और इन दोनों को एक्टिव करने के लिए हम सिर्फ आज उन लोगों को मनाएंगे जो किसी से प्यार करते हैं पर रूठे बैठे हैं, दूर हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से, उन्हें दूर कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या फिर उनको बिल्कुल हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर अलग कर दिया है। एक के तोड़ने से रिश्ता कभी टूटा है क्या? जो अब टूट जाएगा, तो दूसरे को आज तो खिंचकर हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। चलें बताएं आपको क्या करना है और क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो चलो शुरू हो जाओ, उठाओ कॉपी पेन और लिखना चालू कर दो। लेकिन उससे पहले ये तो जान लो भाई कि इतनी सारी बताने वाली बातें बता कौन रहा है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब भी रिश्तों के अंदर कड़वाहट आती है, मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा परेशान हो रहा है और इसीलिए आपको पीड़ा हो रही है। कैसे चंद्रमा परेशान हो रहा है? मन है ना, दिल है ना, जज्बात है ना, फीलिंग्स इमोशंस है ना। जब जब भी चंद्रमा परेशान होंगे, आपकी ये सारी चीज़ें डगमगाने लगेंगी, सारी चीज़ें आपको भी परेशान करने लगेंगी। सबसे छोटी उंगली, इसके नीचे जो ये वाला पर्वत होता है, इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। जब इस पर आपकी अंदर की तरफ लाइनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तब आप मान लीजिए कि आपके रिश्तों में दर्द आना चालू हो गया। अब इसकी दवा यहीं से करेंगे, आज ही करेंगे। कैसे करेंगे बताती हूँ आपको। इस जगह पर आप 3 बार ब्लू कलर के पेन से लिख देंगे नंबर 2, 2, 2, 2। रात्रि के समय ये कार्य करिएगा, और जितना ज़्यादा अर्धरात्रि में आप ये काम करेंगे, अर्धरात्रि कब से चालू होती है? रात को 11:30 के बाद अर्धरात्रि में ये नंबर यहाँ पर लिखकर आप सो जाइएगा। सुबह उठकर अपने हाथों को थोड़े से नमक के पानी से धो लीजिएगा। चंद्रमा की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके मन में जिसके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, उसके अंदर कहीं कुछ तो आहट आपके नाम की ज़रूर होगी। दूसरा उपाय, कोई अगर आपको अपनी ज़िंदगी से अलग ही करने पर तुला है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मुझे इनको अलग ही कर देना है अपनी लाइफ से, 2 चुंबक ले आइए। हाँ हाँ भाई, 2 चुंबक ले आइए। 1 चुंबक को काले रंग के कपड़े में बांध दीजिए और 1 चुंबक को आप सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दीजिए। जो काले रंग की कपड़े में बंधी हुई चुंबक है, उसको आपको अपने घर के साउथ में रख देना है, और जो सफ़ेद रंग के कपड़े में बंधी हुई चुंबक है, उसे आपको अपने घर के नॉर्थ में रख देना है। 5 दिन आपको इसी डायरेक्शन में, अगर आप घर में नहीं रख सकते तो आप अपने कमरे के साउथ और नॉर्थ में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 दिन बाद आपको इन दोनों को कपड़े समेत एक साथ चिपका देना है। ध्यान रखिएगा, चुंबक ऐसी ही लाइएगा जो आपस में चिपक जाए। 5 दिन बाद इसे एक साथ में चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद इसे अच्छी से धागे से बांध दीजिए, और बांध कर किसी बरगद के पेड़ पर, जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, किसी पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर इसे बांध आइए। बहुत सटीक टोटका है,
जितने लोगों को कराया है सबके ऊपर लागू हुआ है। आप ज़रूर करिएगा और इसका इफ़ेक्ट जो भी आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक नंबर होता है जिसमें बहुत पावर होती है, वो नंबर होता है 5। स्टेबिलिटी का नंबर है। लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ जब डगमगा रही हो, किसी को रास्ता ना मिल रहा हो, नंबर 5 का उपयोग अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आने लगेगी। तो आज आपके रिश्ते में भी यही स्टेबिलिटी मुझे चाहिए। एक पेपर लीजिए, उस पर उस व्यक्ति का नाम 5 बार लिखिए जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं। कौन से रंग से लिखेंगे? हरे रंग के पेन या हरे रंग के स्केच से लिख देंगे। उसी पेपर के पिछली तरफ आप 5 नंबर लिखकर उसको आप सर्कल बना देंगे, मतलब आप उसको अपने काबू में कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इलायची लेनी है और उसे कूट लेना है। इलायची को कूटने के बाद में आपको आटे में मिला लेना है। उस आटे के अंदर आपको ये पर्ची रख देनी है। एक बंद शीशी में आपको ये सारी सामग्री बंद करके रखनी है। और कितने दिन तक रखनी है आपको? 3 दिन तक आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको इस आटे को गूंथ कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं। अगर आपके पास कोई बहता हुआ जल है तो आप उसमें प्रवाहित कर दीजिए, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इन गोलियों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से और किसी कच्ची जगह पर छोड़ दीजिए। जो पेपर है जिस पर आपने नाम लिखा था और नंबर 5 लिखा था, आप इसे किसी कच्ची जगह पर पीली सरसों डालकर दबाइए, करके देखिएगा। सामने वाले का मन भी परिवर्तित होगा, सामने वाले की इच्छाएं आपके लिए बदल जाएंगी, फीलिंग्स जज्बात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और हो जाए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और लोगों को भी भरोसा हो, विश्वास हो कि अगर प्रेम मजबूत होता है तो राह और भी मजबूत हो जाती है। बिछड़ना किसी एक के हाथ की बात नहीं, बिछड़ने के लिए दोनों को एक दूसरे से जुदा होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी, क्या आपने कभी अपने बेड की पाए के नीचे चांदी की कील लगवाई है? नहीं लगवाई तो अब ज़रूर लगाइएगा। अगर पति पत्नी के बीच में रोमांस नहीं है, पति अगर आपको छोड़कर किसी तीसरी के पास जा रहे हैं, आपके ज़िंदगी के अंदर तनाव बहुत है और आपकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो रही है, तो ये कार्य आपको ज़रूर कर लेना है। आपको अपने बेड के पीछे एक मोहिनी यंत्र सिद्ध करवा कर ज़रूर लगा लेना है। आपको अपने बेडरूम के अंदर लाल रंग के पुष्प शुक्रवार की रात्रि को ज़रूर रखने हैं। अगर हो सके तो आप रेड कलर के पेपर को हार्ट शेप में काट कर आप दोनों का नाम लिखकर अपने बेडरूम में ज़रूर रखिए, छुपा कर रखिएगा, किसी को दिखना नहीं चाहिए। हमेशा आप भी उनके दिल में ऐसे ही छुप कर रहेंगे और आपके जीवन में लव प्यार रोमांस ज़रूर आ जाएगा। शनिवार को नहाते समय अपने कपड़ों के अंदर 2 इलायची छुपा कर नहा लीजिए। उसके बाद उस इलायची को कूट कर चाय में, खाने में, किसी भी चीज़ में मिलाकर अपने प्रेमी को या अपने पति को खिला दीजिए। आपके प्रेम की कदर भी करेंगे और आपके पल्लू को पकड़कर आपके साथ चलेंगे भी। जीवन साथी जब साथ साथ चले ना तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। ये एक वो रिश्ता है जिसमें अगर प्यार मिल जाए तो बस जीवन स्वर्ग हो जाता है। मैं इस चीज़ के लिए हर किसी को बोलती हूँ कि अपने रिश्तों में मजबूती बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। मेरी किसी भी उपाय से अगर आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।